दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट एंड फिगर में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि घर में कौन सा कछुआ पालना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी पुश करना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यदि आप करियर में तरक्की चाहते हैं तो आपको काला कछुआ रखना चाहिए। वहीं चांदी का कछुआ व्यापार के लिए अच्छा होता है। क्रिस्टल कछुआ धन संबंधी समस्याओं को दूर रखता है और घर में शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है। और भी अच्छा तब होगा जब आप कछुए का जोड़ा साथ में रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि परिवार में किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए घर में आपको कछुआ का जोड़ा रखना चाहिए। दोस्तों अलग अलग कछुओं के अलग अलग ही उद्देश्य होते हैं, जैसे कि मादा कछुआ जिसके खोल पर बच्चे होते हैं उसे परिवार और बच्चों का प्रतीक माना जाता है। उसी प्रकार कछुआ के अनेक प्रजातियां भी हैं और आपको उन्हीं कछुआ को अपने घर में रखना चाहिए जो आपके लिए सही हो। अब बात करते हैं कि कौन सा कछुआ शुभ होता है। कछुआ की कई प्रजातियों में से आपके लिए सही कौन सा रहेगा उसके बारे में किसी गुरुजी या पंडित जी से जरूर पूछें। साथ ही यदि अपने घर में कछुआ पालने के बारे में आप सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। आप चाहें तो कछुआ की मूर्ति भी अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन इसे सही दिशा में रखें, नहीं तो लाभ होने की बजाय आपको हानि होने लगेगी। कछुआ को घर में खास दिशा में रखने से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, इसीलिए ये बहुत खास बात होती है। अपने घर में कछुआ रखने से पहले ये सुनिश्चित जरूर करें कि कौन सी दिशा आपके घर और वृद्धि के लिए सही होगी। वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा में कछुआ का मूर्ति रखना शुभ माना गया है, क्योंकि उत्तर दिशा धन कुबेर की दिशा होती है। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको घर में कछुआ पालना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।